उजाले की ओट में आंध्र प्रदेश। भारत का समुद्र तटीय दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं हैं। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी गांव में रहने वाले लोग जो समुद्र तट से लेकर छोटे छोटे पहाड़ों, जंगलों और मैदानी इलाकों में रहते हैं। आज इन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यानी RGGBY का समुचित लाभ मिल रहा है। April 4, 2005 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के लिए 90% वित्तीय अनुदान भारत सरकार दे रही है। REC इस योजना की नोडल एजेंसी है। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र अक्सर बाढ़ और तूफान से प्रभावित रहता है। सरकार द्वारा इन प्राकृतिक आपदा से पीड़ित गांवों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाता है। आज RGGBY के द्वारा इन जगहों पर भी बिजली पहुंचाई जा रही है और BPL परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। गहन विद्युतीकरण में 14,309 अविद्युतीकृत हैबिटेशंस को विद्युतीकृत किया जा रहा है। కరెంటు వేసుకుని ఉంచే బాగా నడుస్తుంది, బాగా పిల్లలు కూడా చదువుతున్నారు. మేము కూడా రాత్రి పూతలు కరెంటు తెచ్చి మేము ఉదయం పూటలు మధ్యాహ్నం పూటలు పనికి వెళ్తున్నాము. రాత్రి పూతే కడుతున్నాము, కరెంటు లేకపోతే పని చేస్తామా? यहाँ आजादी के इतने साल बाद भी बिजली नहीं थी। ईस्ट गोदावरी जिले के जगी बलसा, कनीबाड़ा और उतला बंडा जैसे हैबिटेशंस में आज RGGBY के द्वारा बिजली पहुंचाई जा रही है। आज देश में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना के द्वारा मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया है। సంక్రాంతికి వచ్చి మేము పిల్లలు బాగా చదువుకుంటున్నారు, మేము పనులు చక్కగా చేసుకుంటున్నాము, మాకు టీవీలు వచ్చి టీవీలో కూడా చూస్తున్నాం. यहाँ RGGBY के तहत फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी नियुक्ति का काम काफी सराहनीय है। पिछले 2 सालों में इस राज्य के मंडल महिला सामाख्या कुरुपम और मंडल महिला सामाख्या सीतम पेटा फ्रेंचाइजी को उनके कुशल कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के गांव में सूर्योदय होने से पहले ही गांव के किसान खेत खलिहान में जाकर रोजी रोटी में लग जाते हैं। उसी तरह मछुआरे सुबह होने से पहले ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, उसे हाट बाजार में बेचकर दोपहर होने तक अपने घरों में लौट आते हैं। चिलचिलाती धूप और गर्मी इन्हें अपने घरों के अंदर ही दोपहर गुजारने को मजबूर करती है, लेकिन आज इनके घरों में बिजली आने से इनका दोपहर आराम से कट जाता है। ये लोग टेलीविजन देखकर मनोरंजन करते हैं और बिजली के पंखे में बैठकर गर्मी से राहत पाते हैं। दोपहर बाद फिर से घर के बाहर काम काज करने को निकल पड़ते हैं। पहले जहां आंध्र प्रदेश की गरीब बस्ती सूरज ढलने के साथ ही अंधेरे के आगोश में समा जाती थी, वहीं आज बिजली की रोशनी में सारा गांव, हैमलेट्स और हैबिटेशंस जगमग हो उठते हैं। आज यहां बिजली आने से गांव वाले बिजली की रोशनी में काफी सहूलियत महसूस कर रहे हैं। बिजली की रोशनी में महिलाओं को अब रात का खाना बनाने से लेकर कई घरेलू कामकाज करने में सुविधा हो रही है। बच्चों को भी बिजली की रोशनी में पढ़ने लिखने में आसानी हो रही है। बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से इनकी जीवन शैली में बदलाव साफ दिख रहा है। पलाला मोहिन कुमार नई पेरु 3వ తరగతి చదువుకుంటున్నాను, కరెంట్ వస్తే రాత్రులు బాగా చదువుకుంటున్నాను. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना उजाले की ओट में
एक नई उमंग और एक नई उम्मीद लेकर आई है। तभी तो आज आंध्र प्रदेश के गांवों में भी इस योजना की सफलता से बदले जमाने की एक नई तस्वीर बनी है। So far we electrified 92% of habitations and 90% of BPL household electrification. TAP is number one in the entire country in release of BPL services. The balance habitations and BPL services will be completed before December 2010. In the state of Andhra Pradesh, 14,338 habitations have been covered for electrification along with 25.48 lakh BPL connections. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गांव-गांव बिजली, घर-घर उजाला।